अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ फॉन्ट्स। दैट इज़ वेरी सिंपलेस्ट टॉपिक। ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, दैट इज़ अबाउट फॉन्ट्स। ओके जी, आपको फॉन्ट्स का तो पता है, ठीक है, ये फॉन्ट्स हैं टाइप फेसेस। जैसे कि आप लोग यहाँ पर, अगर मैं चाहूँ तो ये मेरे पास फॉन्ट्स यानी मेरा जो भी टेक्स्ट राइट किया हुआ है इसका टाइप फेस चेंज कर सकती हूँ यहाँ से। तो जो भी चाहूँ इसकी राइटिंग, जिसे कहते हैं ना हम राइटिंग सेट कर सकते हैं, इसी तरह से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी जो टेक्स्ट है उसकी राइटिंग यानी टाइप फेस स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सेपरेटली आपको वो फॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड करने पड़ेंगे इंटरनेट से, और आपको इसे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के जो एसेट्स का फोल्डर है उसमें प्लेस करना पड़ेगा, उस फोल्डर को, उस टेक्स्ट के फोल्डर को। देन यू कैन एक्सेस दीज काइंड ऑफ फॉन्ट्स दैट यू हैव डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट इन योर ऐप। ओके जी, ऐप में आप लोग ऐड कर सकते हैं इसे। पहले तो अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले एसेट्स के फोल्डर में इस फॉन्ट के फोल्डर को प्लेस करें। उसके बाद आप लोग क्या है, इसको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, जब आप अपनी ऐप क्रिएट करते हैं उसमें जावा कोडिंग करते हैं ना, उसमें टाइप फेस क्लास के थ्रू आप इन फॉन्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप टाइप फेस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं और उसका रेफरेंस ले सकते हैं टेक्स्ट व्यू में, अपने कोड में गेट द रेफरेंस और टेक्स्ट व्यू ले सकते हैं। बिकॉज टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट बॉक्स की बात करती तो टेक्स्ट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं, जब टेक्स्ट व्यू की बात होती है तो आप कुछ राइट नहीं कर सकते, जो राइट किया है आपने अपनी कोडिंग में या जो भी राइट किया हुआ था वो आपको दिखेगा बस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। टेक्स्ट व्यू आपने जो ऑब्जेक्ट है, जो रेफरेंस है उसका यूज़ कर रहे हैं, टी एक्स जो भी आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसका नेम राइट करेंगे उसी को यूज़ करते हुए वो जो टाइप फेस सेट करना है उसको सेट कर सकते हैं, एज़ यू कैन सी इन दिस कोडिंग लाइन। तो ख्याल रखिएगा, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है, इज़ इक्वल टू टेक्स्ट व्यू। जैसे बटन का आप लोग क्रिएट करते हैं, बटन BTN1 और BTN जो भी आप करते हैं कोडिंग, इसी तरह से टेक्स्ट व्यू की अपनी कोडिंग है। तो TX इज़ इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय ID। व्यू बाय ID का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप जो ID सेट करते हैं XML फाइल में, टेक्स्ट व्यू जब आप अपने यूज़र इंटरफेस पर क्रिएट करेंगे या ड्रॉ करेंगे उसके बाद उसकी ID सेट करनी पड़ती है। जो ID आप सेट करेंगे उसको आगे फर्दर अपने उस जो विजेट कह लें या व्यू की फंक्शनैलिटी में उसी ID को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एज यू विश, यू वांट टू ऐड व्हाटएवर। r.id.textview1 ये वो ID है जो आपने XML फाइल में सेट किया। सपोज करें आप txtv कर देते, txt1 करते, वहाँ पर ऐड आपने प्रॉपर्टी ID का मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया ID कैसे सेट करते हैं, रॉयड कॉलर नेम और ID वगैरह। तो इस तरीके से ID सेट कर सकते हैं, जो सेट करेंगे वो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आपने वही ID यहाँ यूज़ नहीं की देन यू कॉन्ट एक्सेस दिस टेक्स्ट व्यू। ओके, लेट्स सी, इसके बाद आपने जब आपने रेफरेंस यूज़ कर लिया टेक्स्ट व्यू का अपने कोड में, देन आपको टाइप फेस क्लास के जो स्टैटिक मेथड है क्रिएट फ्रॉम एसेट, बिकॉज आपका जो फॉन्ट का फोल्डर है वो आपके एसेट फोल्डर में पड़ा है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप मेथड यूज़ करेंगे, क्लास यूज़ करेंगे, टाइप फेस क्लास का स्टैटिक मेथड यूज़ करेंगे दैट इज़ क्रिएट फ्रॉम एसेट। और उसको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे यूज़ करेंगे। सिंटैक्स इज़ गिवन बिलो, टाइप फेस कस्टम फॉन्ट इज इक्वल टू टाइप फेस डॉट क्रिएट फ्रॉम एसेट। देखें, क्रिएट फ्रॉम एसेट मेथड है, गेट एसेट्स पैरेंथीसिस कॉमा फॉन्ट्स बाय फॉन्ट नेम डॉट TTF, यानी यहाँ पर आपने TTF ये फॉन्ट का नेम है, आपने यहाँ पर फॉन्ट के साथ उसका नेम देना है जो आपके एसेट फोल्डर में है। यहाँ तो TTF है, ज़रूरी नहीं है आपके फॉन्ट का जो फोल्डर वो भी यही हो, फॉन्ट स्टाइल या फिर फॉन्ट टाइप फेस यही हो, आप जो भी डाउनलोड करेंगे वही नेम आप यहाँ पर देंगे और उसको एक्सेस कर सकते हैं इस कोडिंग के थ्रू। एक्सेस करने के बाद अब आपने, देखें, एसेट फोल्डर से निकाल तो लिया, अब आपने टेक्स्ट व्यू में
इसको सेट करना है। सेट करने के लिए आप ये कोड सेट टाइप फेस मैथड यूज़ करेंगे और इसको जो टेक्स्ट व्यू जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है टी एक्स उसको यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करते हुए वहाँ पर सेट कर देंगे जो आपने फ़ॉन्ट स्टाइल जो फ़ॉन्ट टाइप फेस को एक्सेस किया है। टी एक्स डॉट सेट टाइप फेस का जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस में कस्टम फ़ॉन्ट जो यहाँ पर क्रिएट एक्सेस किया है आपने इसको यूज़ करते हुए आप यहाँ पर सेट कर देंगे। Okay, let's see. In Android, you can define your own custom fonts for the strings in your application. You just need to download the required font from the internet and then place it in assets font folder. After putting fonts in the assets folder, under the fonts folder, you can access it in your Java code through typeface class. First, get the reference of the text view in the code. Its syntax is given below. Text view text tx is equal to text view find view by id r.id.textview1. ये आपने reference use किया text view का. Then the next thing you need to do is to call static method of typeface class create from asset to get your custom font from asset. Its syntax is given below. अब आप क्या use करेंगे? Second जो step है static method use करेंगे typeface class का, that is create from asset in order to access your custom fonts from the asset file या folder. Typeface custom font is equal to typeface dot create from asset. ये method use किया आपने, method को write करने का method same है, बस आपने यहाँ पर अपने जो font का name है वो change कर देना, typeface जो name है वो change कर देंगे, बाकी same method रहेगा आपका. The last thing you need to do is to set this custom font object to your text view typeface property. You need to call set typeface method to do that. Its syntax is given below. Okay, जी मैंने आपको अभी बताया टेक्स्ट जो आप क्रिएट करेंगे जो रेफरेंस है उसका यूज़ करते हुए यहीं पर आप इसको सेट कर देंगे जो आपने फॉन्ट टाइप फेस एक्सेस किया, तो इसका मेथड सिंटैक्स क्या होगा टी एक्स डॉट सेट टाइप फेस कस्टम फॉन्ट, मेथड सेम यही रहेगा बट यहाँ पर चेंज होगा जो आप यहाँ राइट करेंगे वो यहाँ राइट करेंगे और टेक्स्ट व्यू जो आपने एग्जामल फाइल में आई डी दिया था वही यहाँ राइट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एग्जामल फाइल में आई डी सेट करना बताया था। Apart from these methods, there are other methods defined in the typeface class that you can use to handle fonts more effectively. इन मेथड्स के अलावा जो यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे और मेथड्स हैं जो कि आप अपने टेक्स्ट का टाइप फेस फॉन्ट्स का टाइप फेस सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन गिवन मेथड्स द फर्स्ट मेथड इज़ क्रिएट ऑफ स्ट्रिंग फैमिली नेम कॉमा इंट स्टाइल, आप फैमिली नेम से ऑब्जेक्ट टाइप फेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप फैमिली नेम दे दें और ऑप्शन स्टाइल इंफॉर्मेशन दे दें कि कौन कौन से स्टाइल होगा इसका। क्रिएट टाइप फेस फैमिली इंट स्टाइल क्रिएट अ टाइप फेस ऑब्जेक्ट that best matches the specified existing typeface and the specified style. जो existing typeface है उससे थोड़ा match करता है specified style से भी। Then create from file string path, आप पाथ देकर अपना जो create कर सकते हैं typeface जो कि आपकी specified font file है उससे। Create a new typeface from the specified font file. Next is default from style int style. Returns one of the default typeface objects based on the specified style. आपके पास बहुत सारे style पड़े हैं typefaces हैं उसमें से specified जो default है only one आपको display होगा. Next is get style. Returns the typeface intrinsic style attributes जो उसके attributes हैं वो return कर देगा. Then we have completed our almost completed our fonts topic, but यहाँ पर example है जो आप लोगों ने करनी है। मैं सिर्फ focus करूँगी, पूरे coding नहीं बताऊँगी, सिर्फ focus मेरा उसी पर होगा जो कि आज का हमारा fonts का topic था, तो fonts की coding क्या करनी है इसमें ये है। एग्जांपल हमारी आज क्या होगी ये आप लोगों ने एज ए प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है और साथ साथ और भी एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है या आप लोगों का प्रैक्टिकल है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हेयर इज़ एन एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ टाइप फेस टू हैंडल कस्टम फॉन्ट। इट क्रिएट्स अ बेसिक एप्लीकेशन दैट डिस्प्लेज अ कस्टम फॉन्ट दैट यू स्पेसिफाइड इन द फॉन्ट फाइल। टू एक्सपेरिमेंट विद दिस एग्जांपल यू कैन रन दिस ऑन एन एक्चुअल डिवाइस और एन इमुलेटर।
फर्स्ट आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करें, देन डाउनलोड करें इंटरनेट से जो फॉन्ट फोल्डर है उसको एसेट्स फॉन्ट फोल्डर प्लेस करें। यहाँ पर दिखाया गया है कि कोड करने से पहले आपने एसेट फोल्डर, ये जो फाइल विंडो एक्सप्लोरर दिखाया गया है, एसेट फोल्डर में प्लेस करें उसे। देन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ मैंने मेन कोड जो कि आज हमने स्टडी किया है, बाकी कोडिंग, बाकी वो जो इम्पोर्ट करवाने हैं पैकेजेस, वो जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे कोडिंग राइट क्लिक करके आप इम्पोर्ट करवा सकते हैं इन्हें। टू टेक्स्ट व्यूज़ हैं, टेक्स्ट TV1 और जिसे नेम दिया गया है TV2 क्रिएट किए गए हैं, और क्रिएट करने के बाद फिर उसको क्या है, उसको व्यू बाय आईडी रेफरेंस यूज़ करते हुए उसको कॉल किया गया है। TV1 टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.textview3, ये जो नेम है आपका, ये जो टेक्स्ट के नेम्स हैं टेक्स्ट व्यू के, ये आपकी XML फाइल में सेट किए गए हैं। सेट करने के बाद आप सिर्फ उसका जो आईडी है वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इनको कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद पहले TV1 पर आपने फॉन्ट जो टाइप फेस है वो सेट करना है, देन टेक्स्ट व्यू TV2 पर पहले तो एक्सेस करना है देन सेट करना है। एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप क्रिएट फ्रॉम एसेट जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। टाइप फेस फेस मेथड यही है राइट करने का, इज इक्वल टू टाइप फेस डॉट क्रिएट फ्रॉम एसेट गेट एसेट कोमा फॉन्ट बाय फॉन्ट डॉट TTF, आपने फॉन्ट का नेम बताया जो आप एक्सेस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है यही टेक्स्ट हो, यही टाइप फेस हो, आप लोग फॉन्ट का स्टाइल टाइप फेस हो, आप लोग और भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यही दिया हुआ है, जो भी नेम होगा आप यहाँ राइट करेंगे। अब मैंने एक्सेस तो कर लिया, क्रिएट फ्रॉम एसेट फाइल से इसको एक्सेस कर लिया। अब एक्सेस करने के बाद जो मेरा फर्स्ट टेक्स्ट व्यू है उस पर सेट करना है। सेट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ जो भी नेम राइट करेंगे वही यूज़ करेंगे, आप चाहते तो टेक्स्ट व्यू भी यहाँ राइट कर सकते थे। TV1 डॉट सेट टाइप फेस ऑफ फेस, ठीक है, ये सेट हो गया। देन अब TV2 की बारी आ गई, सेम वही मेथड, बस यहाँ फेस राइट है या Face 2 Face 1, आप जो भी नेम चेंज करेंगे ताकि आप जब इसको एक्सेस करें फर्दर कोडिंग में तो आपको इजी हो जाए, प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यूनिक जब आईडी होती है या नेम यूनिक होता है तो उसे एक्सेस करना ज़रूरी होता हो जाता है, मैसी वर्क नहीं होता वरना आइडेंटिफाई नहीं होता। टाइप फेस सेम वही मेथड आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट राइट किया था, देखें यहाँ पर ओनली फॉन्ट था या Font 1 चेंज कर दिया ताकि पता चले उसे प्रोग्राम को भी मैंने क्या करना है, किसको सर्च करना है, ये इसका आइडिया, क्योंकि Face 1 है तो Font 1 है, यहाँ फेस था यहाँ फॉन्ट था, ठीक है। तो अब मैंने किस पर सेट करना है, किसके लिए एक्सेस किया इसे, TV2 के लिए, टेक्स्ट व्यू 2 के लिए, तो TV2 डॉट सेट टाइप फेस Face 1 जो मैंने यहाँ पर राइट किया मैंने वही यहाँ पर राइट कर दिया, यहाँ फेस राइट किया था, देन मैंने यहाँ पर फेस जो यहाँ राइट करेंगे वो यहीं राइट करेंगे, ये देखें Face 1 है यहाँ, वही हो गया, ठीक है, और यहाँ पर सेट हो गया, ये मेन कोडिंग है, बाकी XML फाइल में आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। और टेक्स्ट व्यू हमारे पास आ गया, और टेक्स्ट व्यू की कोडिंग हाइट विथ आप लोग सेट कर सकते हैं। आईडी मैं आपको दिखा दूं, मैंने अभी बात की थी, ये देखें टेक्स्ट व्यू आपका जो था, ये मैंने आपको आईडी का ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आईडी किस तरह से करना है। आपने टेक्स्ट व्यू है आईडी टेक्स्ट व्यू 2, यानी टेक्स्ट व्यू 2 है, और ये टेक्स्ट व्यू 3 भी है, वैसे हमारे पास ये आईडी है उसकी, आप जितने टेक्स्ट व्यूज़ यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, सब पर कोडिंग करनी है। ये टेक्स्ट व्यू 4 है आईडी, आप इस पर 4 पर आप जो राइट करना चाहें कर सकते हैं, और ये 3 था ये 2 था, और यहाँ टेक्स्ट व्यू की आईडी टेक्स्ट व्यू ये रही आईडी, ठीक है, फर्स्ट ये था। आपने यहाँ पर सिर्फ हमने यहाँ पर 2 पर किया, आप जिस पर चाहे कोडिंग अप्लाई करें और टेक्स्ट राइट करते जाएं यहाँ पर। ओके जी, मेन फोकस मेरा था जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उसका, और फॉलोइंग यहाँ पर कोड वगैरह ऐड जो पैकेजेस हैं आपके अलाइनमेंट वगैरह सेट करें, और उसके बाद जब रन करेंगे आप एमुलेटर के थ्रू या अपनी ऐप के थ्रू तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा, ये देखें फॉन्ट टाइप फेसेस हैं और ये कलर्स वगैरह इस तरह से। रेफरेंस मैंने दे दिया है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और भी एग्जाम्पल, ताकि प्रैक्टिकल आपको अच्छे तरीके से आ जाए।
ओके जी, फॉन्ट का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बता दिया किस तरह से पहले आपने ऐड करना है एसेट्स के फोल्डर में, फॉन्ट्स जो फोल्डर है उसको ऐड करने के बाद देन आप उसके रेफरेंस के थ्रू, टेक्स्ट व्यू रेफरेंस के थ्रू कॉल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। रेफरेंस गेट करने के बाद देन आप क्रिएट फ्रॉम एसेट के मेथड जो कि स्टैटिक मेथड है टाइप फेस क्लास का, तो उसको यूज़ करते हुए आप जो फॉन्ट टाइप फेस है उसको एक्सेस करेंगे। देन सेट टाइप फेस मेथड को यूज़ करते हुए सेट करना है, और बाकी मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए जो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और वही आपकी कोडिंग में अप्लाई किए हुए हैं जो मैंने दिखा दिए। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।